तो दोस्तों हम लोग कम से कम जा रहे थे नीलकंठ और कम से कम 15 किलोमीटर चढ़ चुके हैं और रास्ते में भूख लगी थी। तो सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं भैया, हाय करो, हेलो करो भाई, हाय सभी लोग, भाई विक्रम भाई। तो यहाँ जो सा मिलता है उस तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद देखें लंच जो भी मिलेगा लंच में वो करेंगे और आपको वो भी दिखाएंगे कि लंच में यहाँ पे क्या चल रहा है। दोस्तों हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी और देख रहे हैं सभी दोस्त जो की करीब करीब 1.5 किलोमीटर ही चढ़ाई है नीलकंठ महाराज की, सभी चढ़ेंगे और पीछे भी काफी यात्री आ रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हो सभी दोस्त हैं उनके साथ साथ हम लोग जा रहे हैं अभी नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए, सभी मस्ती करते हुए। दोस्तों आप ये दिख रहे हो मेरे साथी हैं, मेरे साथ आए हैं भाई, कैसा लग रहा है सभी लोग? संभव भक्तों आप ये देख रहे हो हम लोग पहुंचने वाले हैं नीलकंठ, जो कि हरिद्वार से आगे ऋषिकेश के पास कितना 25 किलोमीटर की चढ़ाई पे नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है और हम लोग वहीं पहुंचने वाले हैं। आप देख रहे हो हम लोग बस कुछ समय बाद मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश करेंगे और मैं आपको बता दूं इसकी कहानी है। यह माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने जहर का सेवन किया था जो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, इस वजह से यहाँ पे क्या है जो शिव जी का जो गला था वो नीला हो गया था। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या है, जब हमारे महादेव जब जहर विष का जो सेवन कर रहे थे तो माता पार्वती ने उनके नील यानी कंठ पे अपना हाथ लगा दिया था जिससे कि उनका जो जहर है वो उनके पेट के अंदर ना जा सके और तभी से उनका जो गला है वो नीला हो गया था और इसी जगह को तभी से नीलकंठ महादेव के नाम से जानते हैं। यहाँ पे उनका भव्य मंदिर बना हुआ है, उनके दर्शन भी आपको कराएंगे आज की वीडियो में। सदियों पुराना ये मंदिर कितना यहाँ पे एक आकाशीय उभा पांडिक महत्व को संयोग में रखे हुए ऐसा लगता है क्योंकि काफ़ी ऊंचा पहाड़ है और यहाँ पे बादल एकदम ऐसा लगता है कि जैसे ये जो पर्वत है बादलों को छूता हुआ नजर आता है, ऐसा यहाँ पे कितना नीलकंठ महादेव का मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भक्तों हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, आप देख रहे हो नीलकंठ महादेव के मंदिर के अंदर और सभी को अभी नीलकंठ महादेव के दर्शन भी कराएंगे। आप देख रहे हो मेरे साथ साथ काफ़ी भक्त खड़े हैं और मेरे साथी भी कुछ आए हुए हैं जो कि हम लोग नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। छोटी छोटी गलियां हैं जो निकल के जाना पड़ता है और मैं आपको बता दूँ जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो काफ़ी ऊँचाई पर है, हम लोग गाड़ी से गए थे तो करीब 25 किलोमीटर की चढ़ाई पर जा करके ये मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हो नीलकंठ मंदिर का प्रवेश द्वार, मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी आपको दर्शन कराएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और कहते हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से हमारे समस्त पापों का अंत होता है ऐसा माना जाता है। भक्तों आप देख रहे हो हम लोग बस मंदिर प्रांगण के अंदर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर क्या है अभी आपको नीलकंठ महादेव के दर्शन करने को मिलेंगे। तो हम लोग बस सब ठीक मंदिर के अंदर पहुंचने ही वाले हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे नीलकंठ महादेव के दर्शन हो रहे हैं। तो काफ़ी भक्तों की भीड़ लगी हुई है, आप देख रहे हो ये जो दर्शन हो रहे हैं स्वयं नीलकंठ महादेव के दर्शन हो रहे हैं और हम लोग अभी अंदर चलेंगे और यहाँ पे जल वगैरह चढ़ाया जाता है, पुष्प इत्यादि चढ़ा करके कहते हैं अपनी जो मनोकामना है वो हम नीलकंठ महादेव के सामने रखते हैं और कहते हैं नीलकंठ महादेव के द्वार से कीर्तन धाम से कोई भी दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, जैसी जिसकी मनोकामनाएं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक देख रहे हो एक क्या ना पंक्ति के टाइप में हम लोग जा रहे हैं अंदर, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है पूरा तरह जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा ना हो उस तरीके से बनाया हुआ है प्रांगण को।
और अभी हम लोग देख रहे हैं कि जल स्फीक हो रहा है यहाँ पे, और सभी लोग बारी बारी से जल चढ़ा रहे हैं नीलकंठ महादेव पर। ये आप देख सकते हो, ये मुख्य मंदिर है नीलकंठ महादेव का, जो कि हम आपको अपनी वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं बाहर पे, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो दृश्य था ना समुद्र मंथन वाला, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता है जो कि समुद्र मंथन कर रहे हैं, तो उस समय जो जहर निकला था जो कि नीलकंठ महादेव ने किया था, उस दृश्य को यहाँ पे दिखाया गया है। तो भक्तों काफ़ी अच्छा धाम है नीलकंठ धाम। जब भी आप हरिद्वार आते हैं मैया गंगा मैया का स्नान करके नीलकंठ और लक्ष्मण झूला ये सभी देखते हुए नीलकंठ जरूर जाएं और नीलकंठ महादेव के दर्शन करें। भक्तों आप देख रहे हो हम लोगों ने आपको नीलकंठ महादेव के संपूर्ण दर्शन कराए, जो कि कहते हैं ना 25 किलोमीटर की चढ़ाई है, वो भी आपको दिखाई अपनी वीडियो के जरिए, और संपूर्ण मंदिर प्रांगण के अंदर नीलकंठ महादेव के दर्शन भी कराए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भक्तों के साथ शेयर करें, जिससे क्या है कि उनको भी घर बैठे नीलकंठ महादेव के दर्शन हो सकें, और उस आनंद को जो हम लोग महसूस कर रहे हैं तो उनको वर्चुअली उस आनंद को भी महसूस कर सकें। तो काफ़ी अच्छी जगह है, तो दोस्तों एक बार ज़रूर आइएगा। ये आप देख रहे हो नीलकंठ महादेव का हम लोग मंदिर पूरा दिखा रहे हैं। तो भक्तों इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसी के साथ जय हो नीलकंठ महादेव।